सियावर राम चंद्र की जय। श्री राम। अयोध्या लग रही स्वर्ग समान, अयोध्या लग रही स्वर्ग समान, विराजे मंदिर में श्री राम, विराजे मंदिर में श्री राम। अपने महल में आज पधारे, अपने महल में आज पधारे, रघुपति राजा राम। अयोध्या लग रही स्वर्ग समान, विराजे मंदिर में श्री राम। श्री राम। कोई आंदोलन हो या फिर बड़ा काम, बिना गायकारों, लेखकों और कवियों के बिना पूरा नहीं हो सकता। गीतकार, कवि, लेखक आंदोलन में जान फूंकते। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी गीतकारों ने माहौल खड़ा किया था। भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में गीतकार, लेखक, कवि ताकत के साथ जुटे हुए हैं। गीतकारों ने अपनी आवाज में माहौल राम में बना दिया। आगरा के रहने वाले अवनीश पशौरी ने भी शानदार अंदाज में भगवान श्री राम पर शानदार गीत प्रस्तुत किया, जो तेजी के साथ वायरल भी हुआ। अयोध्या धन्य हुआ ये धाम, अयोध्या लग रही स्वर्ग समान, विराजे मंदिर में श्री राम। श्री राम। अयोध्या लग रही स्वर्ग समान, विराजे मंदिर में श्री राम। इस गाने को बेहद खूबसूरत अंदाज में अवनीश पचौरी ने प्रस्तुत किया है। अवनीश पचौरी का गाना लोगों में जोश पैदा करता दिखाई दे रहा है, उत्साह पैदा करता दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि हमारे कार्यकाल में जो बरसों का सपना था कि मंदिर कब तैयार होगा भगवान राम का, और कब भगवान राम अपने निज स्थान में विराजेंगे, ये वर्षों का सपना साकार हुआ है। इसी उपलक्ष्य में मैंने भी एक कोशिश की है, जनता को भी बहुत पसंद आने वाला है, राम भक्तों को बहुत पसंद आने वाला है, एक भजन तैयार किया है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि इस मौके पर मैं भी प्रभु राम के लिए कुछ गा पाया। यूँ तो हम हजारों भजन गाते रहते हैं, गीत भी गाते हैं, लेकिन ये बड़ा स्वर्णिम एक मौका जो मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है भगवान राम के लिए भजन गा के। जिस तरीके गिलहरी का योगदान था, जी ऐसा कह सकते हैं आप। कैसा लग रहा है? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली, मैं मेरे पास शब्द नहीं है, मैं गदगद हूँ प्रभु का गुणगान करके। क्या थीम क्या थी गाने की? गाने की थीम वही मंदिर में विराजे हैं श्री राम करके है, आप लोग सुनेंगे। पूरी कोशिश की है, जनता को बहुत पसंद आने वाला भजन है। आपने मेहनत की इसके लिए? जैसे जितना हो सकता था मैंने किया है। क्या सोचा आपने इसके पीछे? सोचा बस कि मेरा भी प्रभु श्री राम के चरणों में मेरी भी एक विनती आहुति एक प्रभु तक मेरी पहुंच जाए, बस मैं धन्य हो जाऊं। अवनीश पचौरी ने अपनी आवाज गाने में जान फूंकी। अवनीश पचौरी कहते हैं यूं तो उन्होंने बड़ी संख्या में गाने गाए, भजन गाए, लेकिन राम का भजन गाकर आत्मिक संतुष्टि हो रही है कि अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। ये भगवान श्री राम की महिमा है जिसे कोई नहीं जान सकता। इस गीत को संजय दुबे ने लिखा। संजय दुबे कहते हैं उन्हें पता नहीं चला कि कैसे ये गीत लिख गए, क्योंकि ये राम की महिमा। देखिए, मैं इसे प्रभु श्री राम की कृपा ही मानता हूँ कि ईश्वर ने हमें ये मौका दिया और हम इतना सुंदर गाना बना पाए। निश्चित तौर से हमारे पचौरी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, उन्होंने मेरे लेखे के लिए इतनी सुंदर धुन बनाई और इतना सुंदर गाया। बड़ी खुशी की बात है कि 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद हमारे आराध्य भगवान श्री राम आज अयोध्या में अपने मंदिर में पधार रहे हैं और उन आत्माओं को निश्चित तौर से आज बहुत शांति मिल रही होगी ये सुनकर, ये देखकर कि उनके इतने लंबे संघर्ष के बाद, उनके बलिदानों के बाद भगवान श्री राम आज अपने मंदिर में पधार रहे हैं। कितनी बार लिखा, कितनी बार मिटाया? मुझे तो अब यह
राकेश जी, मैं कैसे आपको बताऊं, मुझे तो खुद एहसास नहीं हो पा रहा, बता नहीं पा रहा हूं मेरे कैसे अभिव्यक्त करूं इस बात को कि किसने लिखवा लिया मुझसे, किसने मेरा हाथ पकड़ा और किसने मुझे निर्देशित किया कि इस भजन को लिख दो। लेखनी आपकी आवाज़ पचौरी जी, आवाज़ पचौरी जी की, संगीत भी पचौरी जी का, और भगवान श्री राम की कृपा से वो भजन इतना सुंदर बन गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसे वायरल भी हो रहा है ये सब भगवान श्री राम की कृपा है साहब जी, तो उन्हीं की कृपा है, उनकी मर्जी से हो रहा नहीं। भजन तो बहुत सारे बनाए मगर इसी भजन के साथ ये कृपा उनकी होनी थी, क्योंकि भाव हमारे पूरे भक्ति भाव के थे कि हम चाहते थे कि खुशी थी एक मन में, एक बहुत उल्लास था कि ये काम हो रहा है, तो उसी उल्लास के साथ ये गाना बना, परिणाम आपके सामने। तमाम गायकार अपने अपने अंदाज श्री राम का गुणगान करने में लगे, जिससे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से और अधिक भव्य बनाए जा सके। अवनीश पचौरी द्वारा गाया गया गाना लोगों को खासा पसंद आया, जगह जगह ये गाना बजता हुआ भी दिखाई देता, लोगों के दिल को ये गाना छू रहा, जो कोई इस गाने को सुनता है इसी को गुनगुनाने लगता है। प्रभु राम के इस उत्सव की खुशी जगत में छाई है, राघव के दर्शन पाने को सारी दुनिया